योर इंग्लिश टीचर वो कैप स्टोरी सेट 10। ये कहानी है नाना पाटेकर की, जो मुंबई शहर में गाड़ियों को रिपेयर करने की एक वर्कशॉप यानी कार्यशाला चलाते थे और वो अपने काम को पूरी निपुणता यानी परफेक्शन से करते थे। उनका हमेशा से एक सपना था कि एक दिन वो उड़ने वाली कार बनाएं, और कई वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार इवेंचुअली उन्होंने एक उड़ने वाली कार बना दी जो कि पेट्रोल से चलती थी। पहले जो लोग उन्हें क्रेजी यानी पागल कहते थे, अब वही लोग उन्हें जीनियस यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कहने लगे। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, यानी कि एक ऐसी घटना जो जीवन को पूरी तरह बदल दे। उन्होंने जल्दी ही अपनी उड़ने वाली कार का पेटेंट ले लिया, यानी कि कानूनी अधिकार ले लिया ताकि कोई दूसरा इंसान उसे अपना इन्वेंशन ना कह सके। और उसके बाद देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में उन्होंने उड़ने वाले कारों की एक बड़ी कंपनी स्थापित कर दी यानी इस्टेब्लिश कर दी। उनकी ये उड़ने वाली कार व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कामयाब हुई, यानी कमर्शियली सक्सेसफुल हुई, जिसने उन्हें बहुत पैसा कमा के दिया। और वो ना केवल एक बिलियनेयर यानी कि अरबपति बन गए, बल्कि दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में भी आ गए। नाना पाटेकर ने ये स्पेक्यूलेशन यानी कि ये अनुमान कभी नहीं लगाया था कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। उनकी इस उड़ने वाली कार ने बिक्री के मामले में बाकी सभी बड़े ब्रांड की गाड़ियों को पछाड़ दिया, सरपास कर दिया। उन्होंने अपनी इस इनोवेशन से, इस नई इजाद से पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन फिर अचानक से उनके जीवन में एक बड़ा संकट आया, एक डिजास्टर आया। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से उनकी कुछ गाड़ियों में एक्सप्लोजन हुआ यानी कि धमाका हुआ, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। और ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग यानी वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गई, फैल गई, और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में यानी कि वैश्विक बाजार में उनकी कारों की बिक्री क्रैश कर गई, यानी कि तेजी से नीचे गिर गई। उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ बहुत सारे लॉ सूट यानी कि मुकदमे फाइल किए गए और उन पर लापरवाही के एक्यूजेशंस यानी कि आरोप लगाए गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन उन्होंने इस सारी स्थिति का बहादुरी से यानी कि ब्रेवली सामना किया और ये एक्नॉलेज किया यानी कि ये स्वीकार किया कि उनकी कार की तकनीकी खामी की वजह से कुछ परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कंसीडरेबल डैमेज हुआ है। वो मरे हुए लोगों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस नुकसान की भरपाई यानी कि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने ये घोषणा की, ये अनाउंसमेंट की डिसीज्ड के परिवारों को यानी कि मृत लोगों के परिवारों को जीवन भर, लाइफ टाइम कंपनी की तरफ से एक मोटी रकम मिलती रहेगी। और उन्होंने जनता से ये भी प्रॉमिस किया, वादा किया कि उनकी आगे आने वाली गाड़ियां यानी कि फोर्थ कमिंग कार्स पहले से ज़्यादा सुरक्षित होंगी। इस हादसे यानी कि एक्सीडेंट के बाद नाना पाटेकर को ये एहसास हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अपनी गाड़ी में फ्यूल यानी कि ईंधन के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अति ज्वलनशील पदार्थ होता है यानी हाईली इनफ्लेमेबल एलिमेंट होता है। और फिर उन्होंने एक नया गोल यानी कि लक्ष्य और 2 साल की डेडलाइन रखी यानी कि समय सीमा रखी, और इस बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सोलर एनर्जी से उड़ने वाली कार पर। वो लगातार प्रयास करते रहे यानी कि कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहे अपने इस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए यानी हासिल करने के लिए। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया यानी कि लेविशली मनी स्पेंड किया। उन्होंने IIT प्रोफेसर से असिस्टेंस लिया यानी कि सहायता ली। उन्होंने इसरो और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया यानी कि गठबंधन किया। बावजूद इसके, डिस्पाइट दिस, उनके पहले 3 सोलर फ्लाइंग कार के ट्रायल्स अनसक्सेसफुल रहे यानी कि असफल रहे।
लेकिन उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे और चौथी बार में उनका उड़ने वाली सोलर कार का परीक्षण यानी टेस्ट कामयाब रहा। और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। और कठिनाइयां यानी एडवर्सिटीज ही इंसान को बेहतर बनाती हैं। तो हम नाना पाटेकर की लाइफ से क्या सबक, क्या लर्निंग ले सकते हैं? वो ये कि लाइफ में चाहे जितने भी स्टम्बलिंग ब्लॉक आएं, अवरोध आएं, रुकावटें आएं, अपने इरादों को लैप्स मत होने दो, यानी कि खत्म मत होने दो। इसे ही परसिस्टेंस कहते हैं, यानी कि मुश्किलों के बावजूद भी चलते रहना।